फ्रेंड, आज हम करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट दिसंबर 2011 का पूछा गया क्वेश्चन। लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6 एंड द ट्रेस ऑफ ए इज 0 इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 वेयर आई डिनोट्स द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 6 है और ट्रेस 0 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये रिजल्ट होता है फ्रेंड्स, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस। दूसरा रिजल्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटरमिनेंट। हमें गिवेन है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 6, 3x3 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट 6 है एंड ट्रेस ए इक्वल टू 0, ये हमें गिवेन है। तो हम ऑप्शन से पता लगा सकते हैं कि हम फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हम फोर्थ ऑप्शन देख ले रहे हैं, -1 प्लस -2 प्लस 3, ये ऐड करेंगे 0, इसका ट्रेस आ गया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू -2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ये डिटर्मिनेंट इसका हो गया। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के सारे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब अगर हम इस ऑप्शन को कर रहे हैं -1 2 3, इसका अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 5 -1 4 आएगा, जबकि यहाँ ट्रेस हमारा 0 आना चाहिए, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको अगर हम देख रहे हैं, इसका सम कर रहे हैं -4 प्लस 2, -2 आएगा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका अगर सम करें 3 -3, ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 -6 आएगा, ये भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। थैंक्स फ्रेंड।